हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन की है, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके गाइस, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या है। देखने की कोशिश करते हैं कि ट्रू इंटेंशंस इस पर्सन के आपको लेकर क्या है। और गाइस, यहाँ पर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि मेरा एक न्यू चैनल है साइकिक टैरो शिवी 888 के नाम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो आप उस चैनल को जाकर देख सकते हैं अगर आप गाइडेंस को फॉलो करना चाहते हैं। वो चैनल आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, वहां पर आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी मिल सकता है। ओके, तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन आपको लेकर क्या है। लेट सी, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के ट्रू इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, क्या बात है। एट ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, किंग ऑफ वैंड्स, Ten of Cups, Two of Swords, Ace of Pentacles, Knight of Swords, दो कार्ड्स हैं यहाँ पे, Knight of Wands, टू ऑफ पैंट्स, पेज ऑफ पैंट्स, लास्ट वन वी हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके फाइन, क्या है आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर। मिक्स है गाइस, मिक्स इंटेंशंस है आपके पर्सन के। ओके, यहां से भी देखते हैं हम थोड़ा सा, कुछ कार्ड्स निकालते हैं यहां से, फिर हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे गाइस। ओके, चार कार्ड चाहिए थे एक बार में आगे, अवेयरनेस, ट्रैवलिंग, गोइंग विद द फ्लो एंड पेशेंस, एंड पेशेंस, पेशेंस, ओके ओके, पेशेंस, फ्रेंडलीनेस, फाइन फाइन फाइन। ओके सो डियर, करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट। ओके, आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन आपको लेकर क्या है। यहां पर गाइस, इस पर्सन के जो इंटेंशंस हैं आपको लेकर वो मुझे थोड़े मिक्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा झगड़ते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके आपको लेकर कि आप झगड़ते बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। बात बात में कॉन्फ्लिक्ट करने की आदत आपकी हो सकती है, या फिर आप छोटी बात को भी बड़े तरीके से ले जाते हैं, यानी कि आप छोटी बात का भी पहाड़ बना लेते हैं। वो कहते हैं ना, राई का पहाड़ बनाना, ठीक है, या फिर आप छोटी बात का बड़ा मुद्दा बना लेते हैं, ठीक है। और आपको आदत है कि आप लड़ाई झगड़ों को क्रिएट करते हो, और इसका कारण भी ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आपको भले ही कोई बात श्योरली पता हो या ना हो, लेकिन उसके बाद भी आपको रिएक्ट करना है। इस पर्सन की आपको लेकर सोच ऐसी है
कि आपको भले ही 100% श्योरिटी हो या ना हो कि ये बात सही भी है या नहीं, लेकिन फिर भी आप सिर्फ सुनी हुई बातों पर रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, और आपको खुद ही कोई क्लैरिटी नहीं रहती है. टू ऑफ सॉर्ड्स रहते हो, आपको खुद ही कोई क्लैरिटी नहीं रहती, उसके बाद भी आप शायद डाउट करते हैं या फिर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो कहीं ना कहीं अनवांटेड हैं, ठीक है, जो जरूरी नहीं है पूछना, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आप क्रिएट करते हो कॉन्फ्लिक्ट्स उन क्वेश्चंस की वजह से, क्योंकि आपके मन में कोई क्लैरिटी नहीं है, आप पूरी तरीके से श्योर भी नहीं हो, आप 100% श्योर भी नहीं हो, और आपको कोई क्लैरिटी भी नहीं है, और आपके पास 100% कोई प्रूफ भी नहीं है किसी बात का, उसके बाद भी आप डाउट्स क्रिएट करते हो, आप कॉन्फ्लिक्ट्स करते हो, ऐसा इस पर्सन को आपके बारे में लगता है. देखिए, हम ट्रू इंटेंशंस पर रीडिंग कर रहे हैं, तो जो निकल कर आया है मैं आपको क्लियर क्लियर वही बताऊंगी. दूसरा, कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपको लेकर ये भी लगता है कि आप काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग इंसान हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब यहां पर, मैंने बोला था स्टार्टिंग में आपको कि यहां पर मिक्स्ड एनर्जीज हैं, ठीक है. एट ऑफ पेंटिकल्स से इस पर्सन को आप बहुत हार्ड वर्किंग लगते हैं, और आप एक ऐसे इंसान हैं जो कोई भी चीज पाना चाहते हैं, कोई भी चीज कमाना चाहते हैं, तो उस चीज के लिए खुद के ऊपर डिपेंड रहते हैं, किसी से मांगना आपको पसंद नहीं आता है डिवाइन के अलावा, ठीक है. इस पर्सन की सोच आपको लेकर ऐसी भी है गाइस कि आप किसी से मांगना पसंद नहीं करते डिवाइन के अलावा, और इस पर्सन के इंटेंशंस में आपको अगर बताऊं तो ये पर्सन आपको एक डिवाइन ब्लेसिंग मानते हैं, ठीक है. हाँ, हालांकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं, लेकिन बुराई तो हर एक इंसान में होती है, ठीक है, सभी 100% अच्छे नहीं होते, ये पर्सन भी 100% अच्छे नहीं होंगे. तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स से कार्ड दिखा रही है कि पर्सन आपको एक डिवाइन ब्लेसिंग भी मानते हैं, तो इस पर्सन के इंटेंशंस आपको लेकर बुरे नजर नहीं आते हैं. हाँ, कुछ बातें आपकी इस पर्सन को पसंद नहीं है, जैसे बात बात पे डाउट करना, जिस बात की पूरी तरीके से आपके पास श्योरिटी ना हो, 100% श्योर ना हो, उस बात का भी उस बातों के लिए भी सवाल खड़े करना, ये आपकी पर्सन की ये आपकी कुछ हैबिट्स हैं जो आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन स्टिल ये पर्सन आपको डिवाइन ब्लेसिंग मानते हैं एक, ठीक है, और आपको काफी हार्डवर्किंग भी देखते हैं, ठीक है. आपको देखकर ये पर्सन कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होते हैं कि इनको भी बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना है. मैजिशियन कार्ड के साथ इस पर्सन के इंटेंशंस आपको लेकर बिल्कुल बुरे नहीं है, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये कहीं भी दुनिया में चले जाएं, लेकिन आना आप ही के पास है, जैसे कहते हैं ना कि घूम फिर कर घर ही वापस आता है इंसान, वैसे ही नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड दिखा रहे हैं इस पर्सन के लिए, ये है कि जब भी कुछ भी हो जाता है तो ये घूम फिर कर आप ही के पास वापस आ जाते हैं, यानी कि आप इस पर्सन को बहुत होमली फील कराते हो, ठीक है, घर की तरह फील कराते हो. मैजिशियन के साथ ये गाइस, ये पर्सन आपको बहुत ही ज्यादा मैनिफेस्ट भी करते हैं, ठीक है, ये दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, तो ये पर्सन के जो इंटेंशंस हैं आपको लेकर बुरे नहीं है, बिकॉज ये पर्सन आप ही के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन की एक ख्वाहिश आप हो. ये पर्सन अगर आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं, ठीक है. इस पर्सन के इंटेंशंस मुझे प्योर नजर आ रहे, इस पर्सन के इंटेंशंस मुझे गलत नजर नहीं आ रहे आपके आपको लेकर, और ये पर्सन आपके ऊपर काफी ज्यादा अट्रैक्टेड भी है किंग ऑफ वैंड्स के साथ एंड नाइट ऑफ वैंड्स साथ, पैशनेट भी है, मतलब यहाँ पर अट्रैक्शन की एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है. तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आपको मैनिफेस्ट ही करते हैं, पर्सन आप पर आकर्षित भी बहुत ज्यादा मुझे नजर आते हैं, अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, काफी ज्यादा पैशनेट है, ठीक है. इस ये भी कारण है कि ये पर्सन कहीं भी जाते हैं घूम फिर कर आपके पास वापस आ जाते हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज हैं, आपकी जो वाइब्स हैं, उस पर्सन से मैच होती हैं, या फिर आप इस पर्सन को काफी अच्छे से हैंडल कर लेते हो, या फिर इनको अच्छे से समझ लेते हो, जैसे लोग और लोग नहीं समझ पाते, और लोग इस पर्सन को जिस तरीके से हैंडल नहीं कर पाते वैसे आप कर लेते हो उस पर्सन को, ठीक है. कहीं ना कहीं नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड के साथ ये पर्सन को समय नहीं लगता है, अगर आप इस पर्सन को एक आवाज दोगे ना तो इस पर्सन को समय नहीं लगेगा, ये भागकर आपके पास आ जाएंगे, ऐसी भी एनर्जी है, ठीक है. ये पर्सन अगर आपसे दूर होते हैं या फिर आपसे बात करना बंद कर देते हैं, नो कांटेक्ट हो जाती है आपकी सिचुएशन, तो उसका कारण ये है कि जब जब आप इस पर्सन पे डाउट्स क्रिएट करते हो या फिर कोई ऐसी बात का एलिगेशन लगाते हो जहां पर आप खुद ही 100% श्योर ना हो या फिर क्लियर ना हो, तभी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, और उसके बाद इस पर्सन का मन खराब हो जाता है. अदरवाइज तो ये पर्सन आप एक आवाज लगाएंगे तो क्विक एक्शन होगा आपकी तरफ इनका, ठीक है, ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की.
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ गाइज बहुत ही ज्यादा तेज आपके पर्सन हो सकते हैं, यानी कि ये स्वभाव से भी काफी तेज हो सकते हैं। नेचर इस पर्सन का तेज हो सकता है बहुत ज्यादा। किसी से डरते भी नहीं है, ऐसी भी एनर्जी मिल रही है। जल्दी किसी से डरते भी नहीं है। अगर ये पर्सन खुद पावर में हो ना, तो किसी की सुनेंगे भी नहीं। हीरो वाली क्वालिटी हो सकती है इस पर्सन की। यहां पर मुझे ऐसा भी लगता है इस पर्सन के इंटेंशंस आपको लेकर बिल्कुल एक फैमिली बनाने वाले हैं, बिकॉज यहाँ 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही कार्ड आए हैं। ये दोनों कार्ड दिखा रहे हैं कि इस पर्सन के इंटेंशंस आपके साथ एक फैमिली बनाने के हैं। चाहे आप मैरिड हो गए, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे आप एक सिंगल एक मैरिड हो, कोई भी आपकी कहानी क्यों ना हो, इस पर्सन का मन, इस पर्सन के इंटेंशंस आपको लेकर सीधा फैमिली बनाने के हैं। यानी कि इंटेंशन इस पर्सन के प्योर हैं आपको लेकर। ओके, हैप्पी फैमिली, जहां पर आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हों और जहां पर आपके पास भरपूर स्टेबिलिटी हो। इस पर्सन को अगर मौका मिले तो ये डेफिनेटली ये चीज करना चाहेंगे, क्योंकि इस पर्सन के मन में नजर आती है। क्योंकि यहां पर इस पर्सन के पास चॉइस होती है, या फिर कुछ ऐसा है कि एक चीज ऐसी है जिसको ये छोड़ नहीं सकते, या फिर जहां पर इस पर्सन को देखना होता है, ये कोई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फिर इनकी लाइफ में कोई एक ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तभी गाइज यहां पर मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन उसके बावजूद भी यहां पर इनके मन में यही है कि यू नो हैप्पी फैमिली आपके साथ बने इस पर्सन की। ऑल्सो विथ पेज ऑफ वैंड्स इस पर्सन के लिए मुझे ये भी नजर आता है कि थोड़े से मेच्योर हैं। ठीक है, आपके साथ फैमिली बनाना तो चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप शायद इस पर्सन को लेकर थोड़े से डाउट में हो। ठीक है, आप पूरी तरीके से इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, बिकॉज इस पर्सन की कुछ एनर्जीज इमेच्योर भी हैं। ठीक है, इस पर्सन के इंटेंशंस आपको लेकर ट्रू हैं, लेकिन इस पर्सन को ये भी पता है कि आपके साथ फैमिली बनाना इतना इजी नहीं, बिकॉज इस पर्सन की जो कुछ एनर्जीज मैं यहाँ देख पा रही हूँ इमेच्योर हैं। यही एनर्जीज हैं इस पर्सन की जो आपको मजबूर करती है कि आप इस पर्सन पर डाउट्स क्रिएट करो, आप इस पर्सन के बारे में गलत सोचो, या फिर कुछ ऐसा सोचो जो आप नहीं सोचना चाहते। आप इस पर्सन से क्वेश्चंस करो। इस पर्सन की ही कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, ऐसी कुछ बातें हैं जिसकी वजह से आप इस पर्सन पर इस तरीके से करते हो। ठीक है, और यहाँ पेज ऑफ वैंड दिखा रहे पर्सन थोड़े से इमेच्योर है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ये बात जानते हैं कि यहाँ पर हैप्पी फैमिली बन तो जाए, लेकिन तब जब ये दोनों ही आप दोनों ही एक तरीके से यू नो मेच्योरली हैंडल करो चीजों को। आप ये पर्सन जानते हैं कि वो खुद ही इमेच्योर हैं, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लगता है कि आप भी इमेच्योर हैं, क्योंकि अगर वो एक्शन करते हैं तो आप रिएक्शन करते ही करते हो। अगर इस पर्सन की तरफ से एक्शन आएगा तो आप भी रिएक्ट करोगे, आप भी शांत रहने वालों में से नहीं। ट्रैवलिंग कार्ड के साथ मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे यू नो इस पर्सन के इंटेंशंस आपके साथ ऐसे भी हैं गाइस, ये पर्सन आपके साथ बहुत ज्यादा ट्रैवल करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा, लिटरली बहुत ज्यादा ट्रैवल करना चाहते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हो दुनिया घूमना चाहते हैं पर्सन आपके साथ। ठीक है, दुनिया ये पर्सन आपके साथ घूमना चाहते हैं। मुझे इस पर्सन के लिए पेशेंस का कार्ड आया है, तो मैं यहाँ पर ये भी बोल सकती हूँ कि ये पर्सन आपके लिए कितना भी पेशेंस बना सकते हैं आपको पाने के लिए। ठीक है, वो होता है ना धैर्य बनाना, इंतजार करना, जो कहते हैं कि लव स्टोरीज में कोई इंतजार करके दिखाए, तो ये पर्सन कर सकते हैं। ठीक है, इस पर्सन के इंटेंशंस में अगर ये चीज निकल कर आई है तो मैं यहाँ पर क्लियरली बोल सकती हूँ कि पर्सन कर सकते हैं। अगर इस पर्सन के ऊपर आ जाए और इस पर्सन पर कोई दबाव ना हो, प्रेशर ना हो, तो ये कितना भी, अगर इस पर्सन को छूट दे दी जाए सिर्फ कि आपको इंतजार करना है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, पर्सन कितना भी इंतजार कर सकते, कितना भी पेशेंस बना सकते हैं, ये पर्सन भागेंगे नहीं। इस पर्सन के भागने के कारण आसपास के लोग हो सकते हैं, या फिर इन पर डाला हुआ प्रेशर हो सकता है, लेकिन अगर इस पर्सन को फ्री छोड़ दिया जाए, इस पर्सन से कह दिया जाए गोइंग विद द फ्लो, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा समय तक इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस पर्सन के हाथ में हो तो ये आपके लिए कितना भी इंतजार, कितना भी पेशेंस रख सकते हैं। तो मतलब मैं अब और क्या कहूंगा इस पर्सन का, अगर आप ये साइड देख रहे हैं तो इस पर्सन के जो इंटेंशंस हैं आपको लेकर 100% प्योर और ट्रू इंटेंशंस हैं। ये पर्सन अगर कोई चीज गलत करते हैं तो हो सकता है कि आसपास के लोगों की वजह से करते हो। अदरवाइज पेशेंस का कार्ड ये दिखा रहा है कि बहुत बड़ा कार्ड है यहाँ पे, कि ये पर्सन आपके लिए कितना भी पेशेंस रख सकते हैं, कितना भी इंतजार आपके आपका कर सकते हैं, बस कंडीशन ये हो कि गोइंग विद द फ्लो।
ठीक है, मतलब इनको, इन पर ना तो कोई प्रेशर है ना ही इनको कोई चीज को कंट्रोल करना है, सिर्फ इनको इंतजार करना है, गोइंग विद द फ्लो चलना है, जैसा हो रहा है होने देना है, तो ये कितना भी इंतजार कर सकते हैं। कहीं ना कहीं गाइस, इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, इन्होंने काफी कुछ सीखा है, काफी कुछ इनमें बदला है। अवेयरनेस का कार्ड दिखा रहे कि कोई यहाँ पर इस चीज को चीज के बाहर निकल रहा है, तो जैसे कोई अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ रहा है। तो आपने इस पर्सन को मदद की अपने ट्रू सेल्फ में आने के लिए, ठीक है, अवेयरनेस में लेकर आए हो आप इस पर्सन को। तो इस पर्सन का जो एक साइड में आपके लिए देख पा रही हूँ कि वो ये चीज मानते हैं कि अगर कोई मेरे अंदर से मुझे बाहर लेकर आ पाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो, ठीक है। आप इस पर्सन को इसके ट्रू सेल्फ से मिलवाए हो, आपने इस पर्सन को इसके ट्रू सेल्फ से मिलवाया है, तो इस चीज के लिए ये पर्सन काफी थैंकफुल मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपके लिए। ओवरऑल अगर मैं कहूँ गाइस, तो इस पर्सन के जो इंटेंशंस हैं आपको लेकर वो गलत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंडलीनेस का कार्ड दिखा रहे हैं कि इस पर्सन के जो इंटेंशंस हैं काफी प्योर हैं, काफी ज्यादा प्योर हैं। यहाँ पर मैं ये चीज बिल्कुल नहीं कह सकती कि इस पर्सन के मन में आपको लेकर कोई भी गलत भावनाएं हैं। सीधा सीधा यहाँ पर शादी है, ठीक है, यहाँ पर फैमिली है, फैमिली बनाना चाहते हैं। यहाँ पर इस पर्सन के लिए ये भी है कि इंतजार भी कर सकते हैं, ये कितना भी ज्यादा मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, और ये कहीं भी चले जाएं घूम फिर कर आते आप ही के पास में है, सुकून आप हो इस पर्सन का। अगर मैं ये कहूं वन वर्ड में, सुकून आप हो। ये पर्सन आपके लिए शुक्रगुजार भी है कि आपने इस पर्सन को इसके ट्रू सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ से मिलवाया, ये चीज भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और देखते हैं गाइस, ऑल टाइड अप, स्ट्रेंथ, मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड द थिंकिंग मैन। ओके, तो यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि इस पर्सन को सब कुछ आपके साथ हमेशा बंधा हुआ लगता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि कहीं भी चले जाएं भागकर आपके पास आते हैं, उसका कारण ये भी है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपसे बंधे हुए हैं, ये कहीं भी भागकर चले जाएं, ये आपसे भागकर भी नहीं भाग पाते हैं, ठीक है। ये आपसे इतने ज्यादा बंधे हुए कि घूम फिर कर इनको आप ही की तरफ वापस आना पड़ता है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन आपको अपनी स्ट्रेंथ भी मानते हैं, ठीक है। आपके साथ होने की वजह से इस पर्सन की स्ट्रेंथ दोगुनी हो जाती है, ठीक है। तो इंटेंशंस इतने ज्यादा प्योर हैं, ठीक है। आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेरित करते हो अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, बहुत कुछ बड़ा करने के लिए। मैन होल्डिंग अ कॉइन से आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हो कि अपनी लाइफ में आगे बढ़े और बहुत कुछ अचीव करें, ऐसा भी ये पर्सन सोचते हैं। ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट के कार्ड के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप और इस पर्सन का कुछ ना कुछ तो लेना देना है, इस लाइफ से नहीं पिछले कई लाइफ से, ये चीज ये पर्सन मानते हैं। विद कॉन्ट्रैक्ट कार्ड ये पर्सन इस चीज को मानते हैं कि आप दोनों का कुछ ना कुछ तो पिछली लाइफ से लेना देना है, ऐसे ही आप दोनों नहीं मिले, ठीक है। कुछ तो आप लोगों का था हमेशा से, कॉन्ट्रैक्ट रहा है जिसकी वजह से आप मिले हो। ये पर्सन हमेशा अगर आपके बारे में सोचते रहते हैं तो गाइस, इस पर्सन के इंटेंशंस आपको 100% प्योर हैं। हाँ, कुछ चीजें इस पर्सन को आप में पसंद नहीं है, लेकिन वो पसंद नापसंद अलग चीज है, लेकिन इंटेंशंस की अगर मैं बात करूं तो वो 100% प्योर इस पर्सन के हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। थिंकिंग मान से लिटरली ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। अगर ये पर्सन दिन रात आपके बारे में सोच रहा है, इट मीन्स इस पर्सन की जो एनर्जीज हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो आपको लेकर बेहद ज्यादा चू है, बहुत ज्यादा चू है, ठीक है। मुझे यहाँ पर कोई भी मिलावट, कोई भी छल कपट ऐसा कुछ नजर नहीं आया, कोई थर्ड पार्टी यहाँ नहीं थी, कुछ नहीं था यहाँ पे। इंटेंशंस के नाम पर सिर्फ इस पर्सन के लिए आपके मन में लव लव एंड लव है। ओके, सो गाइज, ये आपकी रीडिंग, आई होप आपकी रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपकी रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।